ताजा तरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24, मैं हूं मुस्कान। एक हफ्ते से भटक रहा पीड़ित नहीं मिल रहा न्याय, थाना कोतवाली जगदीशपुर का मामला। प्राप्त जानकारी के अनुसार दरअसल मामला जनपद के कोतवाली जगदीशपुर के ग्राम पूरे साहब मंगोली का है, जहां के निवासी अनूप सुत हनुमान ने बताया कि बीती 4 जुलाई को मेरे बड़े भाई चक्की पर आटा लेने जा रहे थे, तभी सुंदर सुत राधे व उमेश रामेश सुतगढ़ सुंदर, जिनका घर रास्ते में ही पड़ता है, अपने एक साथी के साथ मिलकर मेरे भाई को घेर कर मारने पीटने लगे। चीख पुकार सुनकर जब मैं और मेरे परिवार के लोग उस तरफ दौड़े, हम लोग जैसे जैसे पहुंचते गए, वो लोग सबको मारपीट कर लहू लुहान करते गए, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल रायबरेली रेफर किया गया था, जिसमें जय प्रकाश की हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें ट्रामा सेंटर लखनऊ भेज दिया, जिनकी स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है, परंतु पुलिस द्वारा केवल NCR दर्ज कर कर्तव्य की इतिश्री कर ली गई, जिसकी कॉपी भी हमें नहीं दी गई। एक हफ्ता बीत जाने के बाद भी जगदीशपुर पुलिस द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही है। अभियुक्त खुलेआम घूम रहे हैं, जिससे पीड़ित व उसके परिवार को जान माल का खतरा बना हुआ है। पीड़ितों ने पुलिस अधीक्षक अमेठी से न्याय की गुहार लगाई है। राम प्रसाद शुक्ला, ब्यूरो प्राइम न्यूज 24 अमेठी के साथ ओम प्रकाश सिंह की रिपोर्ट। तो इसकी कार्रवाई आपने, इसकी शिकायत कहीं पे की? जी भैया, इसकी शिकायत हमारे बड़े भैया द्वारा थाने में एप्लीकेशन दिया गया। अच्छा। हाँ, तो वहाँ 4 लोगों को गिरफ्तार किए गए, जो है उसके बाद उनको भी अभी खुलेआम छोड़ दिया गया। अच्छा, उनको छोड़ दिया गया। अब हमारा उन्हीं के घर से, उनके घर के सामने से रास्ता है, हमारा मेन वही एक रास्ता है। अब हमें रात बिरात मान लीजिए तबीयत खराब होती है, चोट लगी है, तो दवाई जाने में दिक्कत होगी। तो वो लोग अभी भी हमें फोन पे धमकी दे रहे हैं, तो हमें किसी भी टाइम कहीं भी हमारे ऊपर हमला किया जा सकता है। अच्छा। और अभी तक हमारे थाने से हमको कोई FIR की हमारी कॉपी भी नहीं मिली है। आज कितने दिन हुआ इस घटना को हुए? इस घटना को आज 8 दिन हो गया, अभी तक हमें FIR की कोई कॉपी नहीं मिली है। अच्छा, अभी FIR की कोई कॉपी दिए ही नहीं आपको? दिए नहीं है। और यशो साहब से आपने बात की इसके बारे में? यशो साहब से जो है वही FIR किए थे, बाकी जो है। तो FIR जो दर्ज नहीं हुई है FIR, उसकी कॉपी आपको मिली है? अभी नहीं, हमने यशो साहब से जाकर मांगा तो यशो साहब बोले कि अभी जो है नहीं मिलेगी कॉपी, जो है अभी हमको नहीं दिए कॉपी। अच्छा, अभी आपको दिए नहीं है? नहीं। तो इसकी शिकायत आप कहाँ करना चाहते हो? इसकी शिकायत हम जो है SP महोदया जी को करना चाहेंगे और अपने DM साहब अमेठी को करना चाहेंगे, और हम इसकी शिकायत माननीय योगी। मेरा नाम अनूप कुमार, पिता का नाम हनुमान प्रसाद, ग्राम पूरे साहब, ग्राम सभा मंगौली, थाना जगदीशपुर, जिला अमेठी, उत्तर प्रदेश निवासी हूँ। आपके साथ क्या हुआ था भैया? आपका ये जो सर फटा हुआ है, ये कैसे, क्या दुर्घटना हुई थी? सर जो है कि हमारे बड़े भैया थे, वो जा रहे थे आटा लेने। आटा लेने जा रहे थे तो इन्हीं के जो है हमारे कौन थे, उमेश थे, वो उमेश के पिताजी थे और रमेश थे उनके पिताजी थे। अच्छा। तो ये लोगों ने भैया को रोका, उसके बाद भैया को मारा, भैया को किसी तरह, फिर हमें सूचना मिली। अच्छा। हमारे घर वालों को सूचना मिली। अच्छा। तो जैसे जैसे हम लोग गए वहाँ पहुँचे, उसी तरह से वो घर में अपने बुलवाए थे गुंडे, बाहर थे 2-4 गुंडे थे और वो घर वाले थे। अच्छा। तो लठ से मारते गए सबको, एक एक को सर फाड़ते गए और यही हुआ, हमारा हाथ भी फ्रैक्चर। हाँ, वो तो दिखाई दे रहा है। हमारा सर भी फट गया, हमारे घर में 13 टांका लगे हैं। अच्छा। सर यही है कि थाने में उसके बाद हम FIR किए, थाने में जो है उनको 4 लोगों को पकड़ के ले गए, उसके बाद हमारा मेडिकल करवाया, मेडिकल में हमारे सर की कोई नहीं सुनवाई नहीं हुई। कितने लोग थे जो साथ में, कितने लोगों को घायल किए हैं उधर से? हमारे पक्ष में 7 लोग घायल हैं और 3 लोग रायबरेली में भर्ती हैं, 1 लोग लखनऊ में। और क्या नाम है जो रायबरेली में 2 लोग हैं? रायबरेली में संजय सनाफ हनुमान प्रसाद, राम किशुन सनाफ राम अवतार, और जिनकी नाजुक हालत बनी हुई है जो यहाँ से लखनऊ रिफर किए हैं रायबरेली से, जय बकस सनाफ राम किशुन। अच्छा, जयबकस सनाफ राम किशुन, उनकी हालत नाजुक है। उनकी हालत नाजुक है। अच्छा, यशो साहब जो जगदीशपुर यशो हैं, उन्होंने क्या बताया? उन्होंने कहा कि आप जाइए इलाज करवाइए अपना, जो भी कार्रवाई होगी मेडिकल की रिपोर्ट आएगी तो हम इनको उसी हिसाब से कार्रवाई करेंगे।